ना समझे पार्टनर तो क्या करे। जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी, तो स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो है छोड़ दो समझाना। देखो यार, अगर कोई समझना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है तो वहाँ पे बेकार का एफर्ट डाल के आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो कि आप एक टीचर हो और आपका जो पार्टनर है वो एक बच्चा है, मतलब एक स्टूडेंट है, राइट? और आप उसको बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो कुछ समझाने का, लेकिन उसको तो समझना ही नहीं है। उसने ज़िद पकड़ के बैठा है वो, और ज़िद पकड़ ली है उसने कि मैं तो समझूंगा नहीं या समझूंगी नहीं। तो यहाँ पे आप फालतू के एफर्ट डाल के कुछ नहीं कर सकते। जिसको समझना ही नहीं है, जो समझना चाहता ही नहीं है या फिर समझना चाहती ही नहीं है, वहाँ पे आप कितना उसको ज़बरदस्ती समझाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। वहाँ पे एकदम शांत हो जाओ, छोड़ दो, जाने दो, बोलो ओके फाइन, नहीं समझना है मत समझो, ठीक है? और खुद को समझो, आप अपने आप को पहले समझो। अपने लाइफ को ना ऐसे झंड मत करो यार। आपका जो एनर्जी है ना, एकदम बेकार जगह पे आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो समझता नहीं है या फिर समझने के लिए राजी ही नहीं है, आप उसको कैसे समझाओगे? आप मुझे एक बात समझाओ, आप मुझे ये बात बोलो कि जिसको आपकी जो बात है या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ही नहीं है, उसने ठान ली है मन में कि मुझे भाई नहीं समझना है, तो ऐसे इंसान को आप क्यों समझाना चाहते हो? ऐसे इंसान को आप कभी समझा नहीं सकते हो। तो इससे अच्छा है खुद को थोड़ा सा समझाओ, खुद को समझो पहले, ठीक है? कि मैं कर क्या रहा हूँ या फिर कर क्या रही हूँ मैं। मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के लाइफ पे फोकस करना चाहिए। जो समझने के लिए राजी नहीं है, रेडी नहीं है, उसके लाइफ में क्या मैं फोकस करूँ, उसको लेके क्या सोचूँ? तो खुद को लेके सोचो, खुद की लाइफ जो है उसको झंड मत करो ऐसे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ अलोन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? सब अकेले हैं, और इस अकेलेपन में ऐसे भी लोग हैं जिनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और आपके लाइफ में भी होंगे ऐसे लोग, बट वो गिने चुने लोग हैं। आप अगर सबसे ये एक्सपेक्टेशन लगा के फिरोगे तो फिर तो गई भैंस पानी में ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो। आप सबका सपोर्ट बहुत मैटर करता है।